मुस्लिम लड़की से शादी करते ही बदल गई शिवम दुबे की किस्मत। टीम इंडिया में सिर्फ दो मैच खेलकर रातों रात बन गया स्टार। पिता ने घर बार बेच कर क्रिकेटर बनाया, 28 की उम्र में बेटे ने कर दिखाया। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं शिवम दुबे और टीम इंडिया के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे इस रिपोर्ट की। दरअसल आपको बता दें कि जहां पे इस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जहां सीरीज के अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों मैचों में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन पेश कर इस सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। वहीं सीरीज में आपको बता दें कि एक स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे ने लगातार 2 मैचों में ऐसा प्रदर्शन पेश किया कि वो इस समय सुर्खियों में छा गए। दरअसल भारत के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे, जिन्होंने आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म की लड़की से शादी करने के बाद तो उनके घर वालों ने ही खुद से अलग कर दिया था, बावजूद उसके उन्होंने अपने परिवार से पहले अपने प्यार को चुना और अब इंडियन टीम के लिए दमदार परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम का डंका बजाया है। जी हां, धोनी के चले शिवम दुबे की लाइफ में क्रिकेट की पिच और पर्सनल दोनों में फिल्मी रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने पहले T20 मुकाबले में शानदार 60 रनों की पारी खेलने के साथ साथ एक विकेट लेकर टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई और उसके साथ साथ मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। वहीं दूसरी T20 में एक बार फिर यहां पे आपको बता दें कि शिवम दुबे ने यह कारनामा फिर से करके दिखाया, जिसमें 63 रन बनाए और एक विकेट फिर चटकाया, जो कि दिखा रहा है कि शिवम दुबे की इस दमदार परफॉर्मेंस से ज्यादा उनकी लव लाइफ जानने के बारे में भी हर कोई एक्साइटेड है। ऐसे में आपको बता दें कि जहां पे शिवम दुबे ने 16 जुलाई 2021 को अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड अंजुम खान के साथ मुंबई में शादी रचाई, हैरानी वाली बात यह रही कि हिंदू परिवार से नाता रखने वाले शिवम दुबे ने अपने प्यार के लिए कोई धर्म नहीं देखा और अपनी गर्लफ्रेंड जो कि मुस्लिम परिवार से थी उससे शादी कर ली। और शिवम दुबे और अंजुम खान लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी करने का फैसला किया। अलग अलग धर्म में होने के बावजूद दोनों ने अपने प्यार पर भरोसा था और शिवम और अंजुम के अलग अलग धर्म होने की वजह से लोगों की उनकी शादी पर एतराज मचाया और दोनों की जमकर आलोचना, लेकिन दोनों के परिवारों ने एक दूसरे को कबूल किया, जिसके चलते शिवम और अंजुम अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ खुशी से बिता रहे हैं। आपको बता दें कि शिवम दुबे और अंजुम खान की शादी हिंदू मुस्लिम दोनों रिवाजों से हुई और दुबे की इस शादी की वायरल तस्वीरें में देखने को मिलता है। जी हां, ऐसे ही शिवम दुबे दुआओं में हाथ उठाए दिख रहे हैं और तो वहीं दूसरी तरफ अंजुम को मंगलसूत्र पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिवम दुबे की वाइफ अंजुम खान उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन और आपको बता दें कि फाइन आर्ट्स में की है। वहीं दूसरी तरफ अंजुम खान को मॉडलिंग और एक्टिंग का काफी शौक है और इसी तरीके से यहां पे आपको बता दें कि इस समय इनका एक बेटा भी है अंजुम खान और साथ साथ शिवम दुबे का। जी हां, लेकिन उसी के बाद आपको बता दें कि यहां पे पूरी दुनिया को पता है कि आखिरकार कैसे शिवम दुबे ने पहले चेन्नई तो फिर अब इंडिया के लिए अपना नाम रोशन करना शुरू कर दिया है। शिवम ने पहले आईपीएल करियर की शुरुआत 2019 में आरसीबी के साथ की थी, लेकिन इसके बाद आरसीबी की टीम में ज्यादा मौका नहीं मिलने के चलते उन्हें साल 2021 में राजस्थान के साथ थामा गया। 2021 के बाद उनकी किस्मत ने करवट ली और चेन्नई सुपर किंग ने उन्हें खरीद लिया। इसके बाद यहां से उनकी किस्मत पलट गई, उसके बाद यहां पे सीएसके के लिए खेले, फिर इसके बाद सीधा से यहां पे आपको बता दें कि शिवम दुबे यहां पे इस समय टीम इंडिया के साथ खेल रहे, जो कि दिख रहा है कि इस समय कितना खतरनाक परफॉर्मेंस पेश करते हुए नजर आ रहे हैं शिवम दुबे। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार शिवम दुबे को T20 वर्ल्ड कप 2024 में मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।